So today I am discuss with you common mistakes to avoid in UPSC preparation. Hello everyone, myself Chetna, career psychology with Doshnahi. So today I am discuss with you common mistakes to avoid in UPSC preparation. आप सभी को पता होगा यूपीएससी जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी होती है. इसमें मैनी एक्सपीरियंस क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं. तो उन कॉमन मिस्टेक्स वो होती क्या है वो मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगी. तो आपको किस तरीके से उस पर फोकस करना है ताकि वो कॉमन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सको एंड अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सको. फर्स्ट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी सिलेबस. एस्पिरेंट्स क्या होता है कि कोई भी आप एग्ज़ाम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो फर्स्टली तो आपको सिलेबस की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड यूपीएससी का सिलेबस ही अपने आप में बहुत वास्ट है. चाहे हम बात करें प्रीलिम्स की मेंस की, दोनों ही एग्ज़ाम में क्या होता है आपको जनरल स्टडीज़ के कितने पेपर्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन सा पेपर क्वालिफाई है, कौन सा पेपर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइक ऑप्शनल. तो आपको सिलेबस जो है ना डिटेल में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उनको सिलेबस की नॉलेज ही नहीं होती. विदाउट सिलेबस हम एग्ज़ाम को क्रैक करना तो बहुत दूर की बात है, हम उसको नहीं अप्रोच कर पाते. नेक्स्ट इज़ रेफरिंग टू मैनी बुक. स्टूडेंट्स करते क्या हैं, मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए ना एक ही सब्जेक्ट की अगर बात करें तो काफ़ी सारी बुक रेफ़र करते हैं, जो कि गलत अप्रोच है. अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेसिकली आपको ना जो भी टॉपिक आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, लाइक पॉलिटी आपने पढ़ी लक्ष्मीकांत से, तो ये कॉमन सभी आपको लक्ष्मीकांत ही रेफ़र करते हैं. ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसा नहीं है उसमें सभी को समझ आ रहा है, कुछ टॉपिक्स होते हैं नहीं समझ आता किसी को, तो आप अदर बुक भी ले सकते हो. बट पर्पज़ इज़ कि आप कोई भी अगर आप बुक ले रहे हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक और मैक्सिमम दो आप रेफ़र करो. अदरवाइज आपको एक ही सब्जेक्ट की चार से पांच बुक्स को रेफ़र नहीं करना. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक को रेफ़र करते हो. बुक्स रेफ़र करने की बजाय अगर आप उन्हीं को रिविज़न करो तो ज़्यादा आपकी क्या होती है, बेस्ट अप्रोच होती है. नाउ थर्ड इज़ फोकसिंग मल्टीपल एग्ज़ाम. स्टूडेंट्स देखो करते क्या है, यूपीएससी के गोल से आते हैं कि हमें यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, बट वो अदर एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी इंगेज होते हैं. लाइक एसएससी में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, या फिर बैंकिंग की हम बात करें, अदर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव. तो देखो फोकसिंग करना तो ठीक है अपना कि चलो आप कर रहे हो, बट होता है क्या अगर आप अदर एग्ज़ाम्स को भी आप फोकस कर रहे हो ना, तो यूपीएससी आपका कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा. क्योंकि हर एक एग्ज़ाम की अलग लेवल होता है, एक अप्रोच होती है हर एग्ज़ाम की. तो आप ऐसा नहीं यूपीएससी के उसमें आप आए हो तो आप अदर एग्ज़ाम भी बहुत इजीली निकालोगे. छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, आरबीआई जो आपके निकलते हैं, एसबीआई के बैंकिंग एग्ज़ाम, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में जो रीजनिंग होती है स्टूडेंट्स वो काफ़ी अलग होती है एज़ कम्पेयर यूपीएससी की सीसेट की रीजनिंग से. तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो यूपीएससी पर ही अपना टारगेट मतलब आप करो एज़ कम्पेयर अदर एग्ज़ाम को. फोर्थ इज नो कवरिंग करंट अफेयर्स. देखिए स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि जो करंट अफेयर होता है वो यूपीएससी में कम से कम एक से डेढ़ साल का हर मतलब पूछा जाता है. तो ये होता क्या, स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स पर फोकस ही नहीं करता. मतलब फोकस इन द सेंस आप हर एक मंथ की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, या बात करें हर एक सब्जेक्ट्स के, तो आपको करंट अफेयर पर भी पूरा का पूरा फोकस करना है, उसको कवर करते हुए चलना है. क्योंकि विदाउट करंट अफेयर यूपीएससी में ना तो प्रीलिम्स की कोई इंपॉर्टेंस है, ना तो मेंस की कोई इंपॉर्टेंस है, एंड इंटरव्यू भी. क्योंकि इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स ही आपके पुटअप होते हैं. फिफ्थ इज नो प्रॉपर रीडिंग एनसीईआरटी. देखिए स्टूडेंट्स एनसीईआरटीज जो है यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा. ठीक है, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं बेस होता है. जो स्टूडेंट अलग अलग लाइक बैकग्राउंड के होते हैं, हर स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड का नहीं होता, कुछ कॉमर्स का है, कुछ साइंस का है, एंड बाद में जो बीटेक एंड ऑल, तो एनसीईआरटीज जो आपकी बुक्स होती है ना काफ़ी बेसिक आपको आपका बेसिक जो है ना बेस क्लियर करती है. तो एनसीईआरटीज अगर आप
सोचो कि मैं उसको अवॉइड करके आगे पढ़ूँ, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाएगा। चीज़ें हमें उस लेवल पर समझ नहीं आती, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का जीएस के सारे सब्जेक्ट जो हैं परफेक्ट नहीं होते। लाइक ज्योग्राफी की हम बात करें, 11th और 12th की बहुत आपकी कहीं ना कहीं हार्ड होती है ज्योग्राफी, हर स्टूडेंट्स का नहीं होती अच्छी पकड़, ठीक है। तो आपको रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, वो भी प्रॉपर वे में, फाइन। 6th इज इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। देखिए स्टूडेंट, PYQ जो पेपर्स हैं वो एक ऐसा आपका एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जहाँ से आपको एक आइडिया नहीं, एक आपको पूरा एक अप्रोच मिलती है आपके एग्ज़ाम को डील करने की। तो PYQ लगाना ना तो इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग में होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है उसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, PYQ का एक बार देखो, एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स के PYQ आपके पास होने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप उनको डिटेल में समझो कि भाई क्वेश्चन की डिमांड कहाँ कहाँ से होती है UPSC के लिए, क्योंकि हर 2 या 3 साल में का पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज होता है, एक जैसे नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो बेसिकली PYQ में क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे, डिमांड क्या होती है UPSC की, तो आप उसको इग्नोर मत करो। 7 इज ओनली प्लानिंग बट नॉन एग्जीक्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, होता है क्या है, UPSC के लिए आते ज़रूर हैं कि भाई हमें UPSC करना है, ठीक है, करते भी हैं, बट प्लानिंग जो स्टार्टिंग से बना के रखते हैं कि भाई वो टाइम टेबल, लाइक स्टूडेंट काफ़ी फॉलो करते हैं, तो टाइम टेबल बनाना अपनी जगह होता है, मगर उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे day 1 एंड एंड तक टिल द एग्ज़ाम तक, तो ये अपने आप ही बहुत बड़ा क्या होता है, चैलेंज होता है। तो अगर आप सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हो कि आपको सिर्फ UPSC देना ही है, बट उसको एक्चुअल में कर नहीं रहे, उसके लिए मतलब लाइक पढ़ाई नहीं कर रहे उस लेवल तक की, ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, जो कि इसको बिल्कुल आप क्या करो, अवॉइड करो। आप ऐसी मिस्टेक से एग्ज़ाम नहीं निकलता, ओके। नेक्स्ट इज लेस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए स्टूडेंट्स करते क्या है UPSC के लिए, वो आ तो जाते हैं कि भाई उन्हें क्या कहते हैं UPSC देना है, निकालना भी है, क्योंकि आप सभी को पता है मेंस में आपकी बेस्ट जो चीज़ें सामने वाला आपसे डिमांड करता है वो क्या, आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग स्टूडेंट एक दिन में ना तो कोई परफेक्ट होता ना बन पाता, ठीक है। तो आपको जो धीरे धीरे क्या होता है आंसर राइटिंग, आपको day 1 से लिखना चाहिए स्टूडेंट्स। तो जो कि वो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है, वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करता। तो आपको day 1 से क्या करना चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं होती स्टूडेंट्स। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट इज नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। देखिए अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस फेम में लेकर भी आ रहे हैं ना, अगर एंड में एक टाइम मैनेजमेंट के साथ, यू नो टाइम लिमिटेशन के साथ, अगर आप उसका मॉक नहीं दे रहे तो वो फिर वर्थ है ही नहीं। तो आपको करना क्या है, सभी एस्पिरेंट्स को जो आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो, वो है आप मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते एंड तक, क्योंकि मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं आपको फाइनल आपको प्रिपेयर करता है कि आप एग्ज़ाम में एक्चुअल में कैसे अपने आप को प्लान करो। तो आप इस मिस्टेक को बिल्कुल आप क्या करो, अवॉइड मत करो, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको प्रैक्टिस देने आपको मॉक टेस्ट के कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट इज नॉट गिविंग इक्वल इम्पॉर्टेंट टू ऑल टॉपिक्स। स्टूडेंट्स देखिए करते क्या हैं, वो सोचते हैं कि प्रिलम्स में चलो CSET को मैं इस बार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दे देता हूँ, क्योंकि मेरे लास्ट ईयर में GS में काफ़ी अच्छा स्कोर था, जो कि बहुत ही गलत है। हमें हर एक टॉपिक को, चाहे वो CSET हो, ये तो आपका पूरा पेपर ही हो गया, इवन हम बात करें अदर सब्जेक्ट की GS के पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, आपको सभी ही सब्जेक्ट्स को, सभी पेपर को इक्वली इम्पॉर्टेंस देना चाहिए, एंड करंट अफेयर ऑल्सो इक्वल इन द सेंस। अगर सपोज आपका पॉलिटी अच्छा है, तो मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप उसको भी उतने बार ही पढ़ो, कुछ सब्जेक्ट अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो उसको थोड़ा सा एज कम्पेयर थोड़ा कम टाइम दो, मगर इम्पॉर्टेंस उतनी दो, ठीक है। तो आपको रिविज़न भी बहुत ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट की। नेक्स्ट इज़ नो टाइम टू रिविज़न। देखिए स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं ना, वो है रिवीजन ही नहीं करते। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया
कि हमें बुक्स मल्टीपल लेने का कोई मतलब नहीं जब आप उसी एक बुक को रिवाइज ही नहीं करोगे, क्योंकि एक बुक को सिर्फ एक बार पढ़ के कोई भी जीनियस नहीं बनता जब तक हमें उसके रिवीजन ना हो। तो रिवीजन होना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन क्या होता है ना, हम एग्ज़ाम में बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो रिवीजन एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कॉमनली सब करते हैं, इसको बिल्कुल आप फोकस करो। नाउ सेकेंड इज, नेक्स्ट इज रिलाइंग ऑन पास्ट रिजल्ट। देखिए स्टूडेंट्स होते, स्टूडेंट्स करते क्या है कि ज़्यादातर ना पास्ट रिजल्ट पर रिलाइंग होते हैं, क्योंकि आपको ये सब नहीं करना। स्टूडेंट्स जैसे आपका कोई भी फ्रेंड है, ठीक है, उनका उनका इस तरीके से लास्ट ईयर में अच्छी रैंक आई है, ठीक है, तो आप सोचते हो कि उनसे मैं एडवाइस लूँ। देखो हर स्टूडेंट्स की अलग अलग क्या होती है, अप्रोच होते हैं एग्ज़ाम निकालने की, इवन स्टडी प्लानिंग जो है सबका अलग होता है, ठीक है। तो हमें पास रिजल्ट पे बिल्कुल भी रिलाइंग नहीं होना, खुद का अपना शेड्यूल बनाना है, आपकी क्या अप्रोच होगी, आप कैसे अपने एग्ज़ाम को अच्छे से डील कर पाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही बेहतर तरीके से खुद को जानते हो।